पीछे दोनों तरफ ही बुकरम का गला बनाया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ में जो हम गला बनाते हैं उसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए हमें तुरपाई कैसे करनी चाहिए, बुकरम वाले गले में हमें तुरपाई कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, ये बैक का गला है जो कि स्क्वायर में है, और इसकी हम अधिकतर आपने देखा होगा कि जो तुरपाई की जाती है वो यहाँ से हम कंधे से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से लेते हुए पूरा यहीं दूसरे कंधे पर हम एंड कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे अगर हम इस तरह से तुरपाई करते हैं तो उसमें यहाँ पर या यहाँ एक साइड में, एक साइड से तो सही आ जाती है लेकिन आधी साइड में झोल आने लगता है, तो इसलिए ये तरीका गलत है। आज मैं आपको सही तरीका, बुकरम वाले गले में तुरपाई करने का सही तरीका आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने बैक वाला गला अपना आपको दिखाया ही है, इसी में हम तुरपाई करेंगे और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए तुरपाई करते वक्त, जो कि हमारा गला गले में झोल ना आए। इस नेक में जो हम तुरपाई करेंगे वो हम यहाँ सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और ऊपर हम कंधे तक लेकर जाएंगे। देखिए, धागा जो है मैंने सिंगल लेयर में ले लिया है और यहाँ से हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे और इस कंधे तक लेकर जाएंगे और फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरे कंधे तक लेकर जाएंगे। तो चलिए तुरपाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड की मैंने तुरपाई कर ली है, पीछे से भी आपको मैं दिखाऊं। देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हुए और इस कंधे तक हमें ये तुरपाई पूरी करनी है। देखिए, पूरी तुरपाई हमने कंप्लीट अपनी कर ली है दूसरी साइड से भी, और दोनों साइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट, बैक गला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, सामने से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, कहीं भी आपको इसमें झोल नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ के जो बुकरम के गले हों या पाइपिन के गले हों उनमें आप इसी तरह से अगर तुरपाई करेंगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा। देखिए, पास से आपको दिखाऊं, कहीं भी इसमें झोल नहीं है। देखिए कितनी फिनिशिंग है। बस इसी तरह से आप भी अपने अपने ब्लाउज़ों में इसी तरह से तुरपाई करें। ये तो हो गया बैक का गला, अब मैं फ्रंट का आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने बुकरम का ही बनाया है। इसमें भी मैं तुरपाई इसी तरह से करूँगी, मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी और ऊपर कंधे तक लेकर जाऊँगी। देखिए, बैक से आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और कंधे तक लेकर जाऊँगी। इसी तरह से फ्रंट में भी तुरपाई इसी तरह होगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।